दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन चेस का यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं MI के पावर बैंक 2i की, और यहां पे मैं करने वाला हूं इसको अनबॉक्स से बात करूंगा, इसके कुछ फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की, और साथ में आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से डिवाइसेस को कितनी देर में आप चार्ज कर सकते हैं, और साथ में आपको बताऊंगा MI की पावर बैंक 2 से कैसे ये बेटर है MI का नया वाला पावर बैंक 2i। दोस्तों कुछ इस तरह की पैकिंग मिलती है MI की पावर बैंक 2i और सेम बॉक्स है जैसा कि MI पावर बैंक 2 का था, और उसकी अनबॉक्सिंग मैंने की अपने चैनल पर, आई बटन में आपको मिल जाएगी। मैंने इसको परचेस किया था नंबर 1 MI फैन सेल में जो कि थी अभी लास्ट कुछ दिनों पहले। अपने फेसबुक पेज के जरिए भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिएगा। फेसबुक के जरिए मैं आप तक पहुंचाता हूं बेस्ट डील्स, तो वहां से आप कुछ अच्छी अच्छी डील्स भी परचेस कर पाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर। मैंने इसको परचेस किया MI की वेबसाइट से 800 रुपए का, और सबसे पहले मुझे मिला ये लेटर जो कि था दोस्तों Xiaomi की तरफ से। यहां पर उन्होंने काफी ज्यादा प्यार और सपोर्ट जताया सारे कस्टमर्स के लिए 2017 में, और आगे भी दोस्तों वो इस टाइप के गैजेट्स लाते रहेंगे। साइन किया हुआ है दोस्तों मनु जैन जो कि हैं दोस्तों MD Xiaomi इंडिया के। अब बात कर लें दोस्तों पावर बैंक की, तो यहाँ पर मेड इन इंडिया है पावर बैंक। सामने की तरफ दिया हुआ है 10,000 mAh और मॉडल है जो दोस्तों MI पावर बैंक 2i, और लेफ्ट राइट में MI की ब्रांडिंग, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। पीछे की तरफ मिल जाते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर्स। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, जहाँ पर दिया हुआ है कि आप MI A1 यूज़ करते हैं तो 2.2 बार चार्ज कर पाएंगे इसके द्वारा, और अगर iPhone 7 है तो आप चार्ज कर पाएंगे 3.5 टाइम्स मतलब कि 3.5 बार, और अगर iPad मिनी है तो उसको चार्ज कर पाएंगे 1.3 टाइम्स। 2-way क्विक चार्ज के बारे में बताऊंगा आगे वीडियो में। लिथियम पॉलीमर बैटरी है, एल्युमिनियम अलॉय प्लस CNG एज के द्वारा बना हुआ है आपका पावर बैंक। बाकी नीचे की तरफ मिल जाते हैं आपको सीरियल नंबर्स, और साथ में मिल जाएगा MRP जो दिया हुआ है 1199 रुपए, लेकिन दोस्तों प्राइस है 800 रुपए। बाकी फटाफट से कर लेते हैं दोस्तों इसको अनबॉक्स, दिखा देता हूं कैसे दिखने वाला है आपका पावर बैंक। तो इसके अंदर से निकलेगा एक और बॉक्स, और बॉक्स है बेसिकली व्हाइट कलर का जैसे कि MI पावर बैंक 2 के अंदर से निकला था। इसके अंदर से मिलेगी आपको एक डेटा केबल, USB टाइप A2 माइक्रो USB केबल, और दोस्तों फ्लैट केबल है, क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी, और सेम केबल मिलती थी आपको MI पावर बैंक 2 के साथ। और इसको रखते हैं साइड में, आ जाते हैं अपने मेन यूनिट के ऊपर। तो यहाँ पर पॉलिथीन की पैकेजिंग के अंदर मिलेगा आपको पावर बैंक, और पावर बैंक का कलर है यहाँ पर दोस्तों ब्लैक बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लूइश सा है, कुछ ग्रेइश सा है, तो कुल मिला के काफी अच्छा कलर है, मैट फिनिश में आता है, क्वालिटी काफी अच्छी है। नीचे की तरफ मिल जाते हैं कुछ यहाँ पे डिटेल्स, जैसे कि पावर बैंक का इनपुट है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का मिनिमम, और मैक्सिमम है 9 वोल्ट 2 एम्पियर का, और आउटपुट मिलेगा आपको 2 USB पोर्ट के थ्रू 5.1 वोल्ट 2.4 एम्पियर का, और 9 वोल्ट और 12 वोल्ट पर मिलेगा आपको 15 वॉट मैक्सिमम का पावर आउटपुट, मतलब कि आपकी पावर बैंक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और यहाँ पर मैंने मोटो G5 के साथ ऑलरेडी दोस्तों इसको टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ मिल जाते हैं 2 USB आउटपुट पोर्ट, और इसके अलावा मिल जाती है एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट और एक LED लाइट, इसके अलावा एक पावर बटन जिसका बेसिकली कोई मेजर यूज नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं बैटरी के लेवल्स तो आप इसे देख सकते हैं इसके दबाकर। इसके अलावा जैसे ही आप अपनी माइक्रो USB चार्जिंग केबल कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल फोन से पावर बैंक के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों पावर बैंक ऑन हो जाएगा, और निकालने के बाद कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। दोस्तों कंपेयर करें पुरानी वाली MI की पावर बैंक 2 से, तो दोस्तों यहां पर मॉडल, डिजाइन, दोस्तों कलर तो देखने में सेम लग रहा है। शेप साइज की बात करें तो दोस्तों मोटाई भी लगभग सेम है, थोड़ी सी मोटी लगी मुझे पावर बैंक 2, और 2i यहां पर लंबी ज्यादा है। बाकी ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है, और यहां पे मेजर डिफरेंस जो है 2i और पावर बैंक 2 में, तो वो है दोस्तों 2i के डुअल USB पोर्ट। तो यहां पर दोस्तों LED लाइट वगैरह सब कुछ सेम है, बस कस्टमर्स के फीडबैक पर यहां पर MI ने पावर बैंक के अंदर लगा दी है 2 USB आउटपुट पोर्ट, और अपने इंडियन मार्केट को देखते हुए MI ने प्राइस कर दिया है काफी कम, बिकॉज MI पावर बैंक 2 मिलता था 1200 रुपए में, और यहां पे नया वाला पावर बैंक 2i आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपए में। MI की वेबसाइट पर अभी अवेलेबल है, फ्यूचर में हो सकता है दोस्तों अवेलेबल हो जाएगा फ्लिपकार्ट पर भी, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। बाकी 2 और 2i की दोस्तों बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो थोड़ा सा चेंजेस है सेल की कैपेसिटी में। यहां पर जो मैक्सिमम सेल की कैपेसिटी है MI पावर बैंक 2 की वो है 3.85 वोल्ट, और यहां पर जो 2i की कैपेसिटी है वो है 3.7 वोल्ट, और पावर आउटपुट में थोड़ा सा फर्क है। MI पावर बैंक 2 आपको देती थी 18 वॉट का मैक्सिमम पावर आउटपुट, और 2i से आपको मिलेगा मैक्सिमम 15 वॉट का मैक्सिमम पावर आउटपुट, जिससे कि कोई बेसिकली दोस्तों चेंजेस नहीं होने वाला है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको दोनों ही पावर बैंक से मिल जाएगा, बिकॉज मोटो G5 के साथ जो चार्जर मिलता है रैपिड चार्जर, वो 15 वॉट की पावर आउटपुट कैपेसिटी
कैपेसिटी के साथ ही मिलता है। बाकी दोस्तों एक फीचर जो है टू वे चार्ज, उसके बारे में बता दूं आपको। वो बेसिकली है दोस्तों इसलिए कभी आप चाह रहे हैं कहीं पर आपको अपना फ़ोन भी चार्ज करना है, चार्जर एक ही है, आपकी पावर बैंक भी चार्ज करनी है, तो आप डायरेक्टली दोस्तों चार्जर लगा दीजिए अपनी पावर बैंक में और पावर बैंक से आउटपुट लेके लगा दीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन में। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है, दोनों ही चीज़ें एक साथ में चार्ज हो जाएंगी। बाकी दोस्तों अगर आप भी आपको खरीदना है पावर बैंक तो 2i एक बेस्ट ऑप्शन है। और आपको अगर चेक करना है कोई सा भी पावर बैंक जो आपने खरीदा है MI का ओरिजिनल है या दोस्तों फेक, तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे चेक करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे थे ऑनलाइन जिसका। जय हिंद, वंदे मातरम।